और अगर गाजियान ना माना तो फिर एक और रिश्ता भी टूट जाएगा और वो बाप बेटे का रिश्ता होगा। कितनी अजीब बात, मुझे उस पर गुस्सा ही नहीं आया। वो खुद चलकर मेरे पास आया, उससे बात की, उसने मेरे साथ हमारे रिश्ते की लाज भी रखी यार। मुझे कहा कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं। सुबारिया से शादी करना चाहता हूँ। सुबारिया बास। तुम्हारी कोई खौफनाक किस्म की आंटी आई है, जकिया नाम है उनका, ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रही जैसे तुम उनके जेवर चुरा के भागी हो। गुलबीबी कैसी है, तबीयत ठीक है उनकी? बेहतर है, घर आ गई है। तुम्हें उनके पास रहना चाहिए था, उनके लुकआफ्टर के लिए कोई तो उनके पास होना चाहिए। काफी लोग हैं उनके पास, डॉक्टर फारा भी कुछ दिनों के लिए आ गए, खेली नहीं है अभी। डॉक्टर फारा? डॉक्टर फारा अल्तमिश। ओह, मैं तो भूल ही गई, वो अकेली कहाँ है, उनके पास तो काफी लोग। अल्तमिश पाकिस्तान में नहीं होता। क्या फर्क पड़ता है कौन पाकिस्तान में है और कौन नहीं? अब तो जिंदगी में किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज हूं मुझसे, जिस रास्ते जाना नहीं उसके मोड़ गिनने का कोई फायदा नहीं। से बात करोगी मेरे साथ? बातें तो सारी खत्म हो गई। शायद कहीं जा रहे थे, मैं बिना बचा रास्ते में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये किस बात का बदला लिया है तुमने मेरी निम्रा से? मम्मी मैंने क्या किया?
मुझे कभी भी इस रिश्ते से मत बुलाना। मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम उन्हीं लोगों में से हो, खुदगर्जी और बेवफाई जिनके खून में है। आपके नाम आने से हमारा रिश्ता नहीं बदल जाता। आप प्लीज बैठिए, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के बातें करने नहीं आई, तुम्हें समझाने आई। गाजियान के ख्वाब देखने छोड़ दो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी निमरा का है। मैं किसी के ख्वाब नहीं देखती और आपको कोई हक नहीं पहुंचता आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाएं। आप जाके गाजियान को समझाइए, वो किसका है और किसका नहीं ये मेरा मसला नहीं है। बहुत बदतमीज और बदजबान, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। बस अब एक और लफ्ज़ नहीं, मैं आपकी इज्जत जरूर करती हूँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपकी हर बात सुनूंगी। मैं अपनी मरी हुई माँ का लिहाज करूँ। आप प्लीज जाए यहाँ से। रुको, इस बार तुम्हें समझाने के लिए आई, अगली दफा समझाऊंगी मैं। सजा तुम बेहतर यही कि गाजियान से दूर हो। गाजियान साहब, मैंने ठेका नहीं लिया वो अपनी बेइज्जती करवाने का। आपके घर में जो भी मसले चल रहे हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप किससे शादी करना चाहते हैं और किससे नहीं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता था कि आप मेरी जिंदगी को तमाशा बनाएं। मैं जानता हूँ जो फूफो ने किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। आप जाके अपने घर वालों को समझाएं, उन्हें अपनी इज्जत का एहसास हो ना हो लेकिन मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। वो अब जुबारिया के हॉस्टल क्यों गई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जुबारिया के हॉस्टल क्या करने गई थी? अगर आपने उससे मिलना था तो मुझे बताती, मैं उसको आपके पास ले आता। उधर हॉस्टल जाके तमाशा करने की क्या जरूरत थी आपको? तुम उस लड़की के लिए मुझसे सवाल जवाब करोगे, तमाशा करोगे मेरे सामने? उस लड़की के लिए तुम होश में हो? यही देखने गई थी कि ऐसी क्या होश से बेगाना कर देने वाली चीज है वो। जिस दिन से तुम उससे मिले हो तुमने तो हम सबको जूते की नोक पे रखना शुरू कर दिया।
उसका नाम जुबारिया है पप्पा, बहुत करीब का रिश्ता है उसका आपके साथ, शादी करना चाहता हूं मैं उससे, मेरा कोई अफेयर नहीं है उसके साथ, इसके लिए आप उसे इल्जाम देने पहुंच जाएं। अजगर क्या अंदाज है बात करने का, कोई तमीज कोई तहजीब नहीं रहेगी तुम्हें, अगर तुम्हें बड़ों की किसी बात की लाज नहीं रखनी तो मत रखो, अगर यूं यहां मेरे घर में ऊंची आवाज में बोलकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं भी तो शर्मिंदा हो रहा हूं सुहारिया के सामने, बीवी गुल के सामने, इसका एहसास किसी को नहीं है बाबा, सब एहसास मर गए हैं मेरे, मेरी निम्रा को बर्बाद कर दिया है तुमने। ओ प्लीज ऐसी बात ना करें, मैंने निम्रा के साथ कोई ज्यादती नहीं की, मैं मानता हूं मेरी वजह से निम्रा हर्ट हुई, लेकिन ये पहली और आखिरी दफा, जरा सोचिए पप्पा, अगर आप शादी के बाद उसको बार बार अपसेट देखें तो अच्छा लगता आप? इसकी जिम्मेदार भी वो लड़की ही है, ये खन्नास जो तुम्हारे अंदर उतरा है ना, उसके मिलने के बाद ही उतरा है। नहीं, इसका जिम्मेदार मैं खुद हूं, पता नहीं आप लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, निम्रा और मैं कजिन्स हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं, शायद मैं उसके लिए वो फीलिंग्स महसूस ही नहीं कर सकता जो एक मर्द और औरत शादी के बाद एक दूसरे के लिए महसूस करते। कजिन सब तुम्हारे बहाने हैं, तुम सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, फजूल बातें मत करो। नहीं बाबा, ये कोई बहाना नहीं, आपने मुझे सच बोलने पे मजबूर किया है तो मैं बोल रहा हूं, मैं जिंदगी में कुछ नया चाहता हूं, निम्रा और मेरे बीच सिर्फ निकाह के पेपर्स आ जाएंगे, लेकिन वो फीलिंग्स कहां से आएंगी बाबा, जो इस रिश्ते को जिंदगी देती है, ऐसी जिंदगी जिसका हर लम्हा आप जीना चाहते हैं बाबा, मैंने वो सब कुछ जुबारिया के साथ फील किया है बाबा, निम्रा के साथ नहीं, शायद यही मेरा कसूर है। मैंने आपसे कहा था मेरे लिए ना आप किसी को अपना एहसान याद दिलाएंगे और ना ही किसी से मेरे रिश्ते की भीख मांगी, अगर आपको शौक चढ़ा है मुझे बार बार बेइज्जत करवाने का, आसियान मेरे लिए फील नहीं करता तो क्यों आप बार बार उसे? निम्रा प्लीज तुम तो मुझे समझने की कोशिश करो, ये कोई बेइज्जती नहीं, पूरी जिंदगी मुश्किल में गुजारने से बेहतर है कि हम आज कोई सही फैसला कर लें। बीर अंकल और पप्पू, इन दोनों की जिंदगी हमारे सामने है। बस भाईजान, बस अपनी औलाद को संभाल लीजिए आप, और बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, नहीं सह सकती मैं और, मैंने कबीर के साथ निभा कर लिया होता, उसकी पहली बीवी और बच्ची को एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज मुझे इसकी ये बातें नहीं सुनना पड़ती, मेरी गलतियों की सजा मेरी औलाद को मिल रही है। लकिया, माजी को कुरेदने का कोई फायदा नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, एक वक्त ऐसा आता है जब बच्चों को माँ बाप की जरूरत नहीं रहती। मैं माजी कुरेद रही हूँ भाई साहब, मैं कुरेद रही हूँ, आप देख नहीं रहे गाजियान क्या क्या बोल रहा है मुझे मेरी बेटी को, और आप चुप बुत बने बैठे, बस बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे ये। मैं तो हैरान हूँ कि ये वही गाजियान है जिसकी फरमा बरदारी की मैं मिसालें दिया करती थी, ये मुझे शादीशुदा जिंदगी गुजारने के तकाजे सिखा रहा है, ये सिखा रहा है कि इसको जरा भी तमीज नहीं है अपने बड़ों से बात करने की। पापा प्लीज,
सिर्फ एक बार ठंडे दिलो दिमाग से सोचिए, सिर्फ एक बार, अगर शादीशुदा जिंदगी के तकाजे सिर्फ एक फर्ज की तरह निभाए जाए, उनमें कोई मोहब्बत ना हो, तो जबर का ये रिश्ता क्या हमें कोई सुकून दे सकता है? फुफो बस करो गाजियान, बस करो, तुम वाकई बहुत बड़े हो गए हो, अपने बाप से भी ज्यादा बड़े हो गए, और जब बेटा बाप से बड़ा हो जाता है तो फिर बाप के कंधे और नजरें दोनों ही झुक जाती हैं। तुम मुझे आज जिंदगी के उसी मोड़ पर फिर ले आए हो जहां कई साल पहले कबीर लेकर आया था। बस छोड़ दें पुरानी बातें भाई, इनका कोई फायदा नहीं, मुझे इजाजत दे। निम्रा यहां रहेगी तो उसका दुख रोग में बदल जाएगा। वैसे भी अब इस घर पे मेरा हक नहीं रहा, ये गाजियान का घर है, और जो लड़की इसकी बीवी बनकर आएगी वो निम्रा नहीं होगी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे सानी जाएगा भाईजान, प्लीज मुझे जाना है। मामू, मेरे ख्याल से हम सबके हक में यही बेहतर। ज़किया, तुम कहीं क्यों जाओगी? ये घर है हमारा, मेरा और तुम्हारा। अगर गाजियान ने यहां रहना है तो इसे हमारे फैसले की लाज रखना होगी, वरना मेरे दिल में, मेरे घर में इसकी कोई जगह नहीं। अगर निम्रा इस घर की बहू नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर ये मुमकिन होता तो मैं निम्रा के साथ होता, क्योंकि मैं निम्रा के साथ एक झूठी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अपना घर छोड़ आया हूँ। आज से आपका रूटीन वाला नाश्ता शुरू। वैसे मैंने खलील को सारी बातें समझा दी हैं। काफी एक्टिव लड़का है, सारी चीजें डायरी में नोट कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है वो आपका बहुत ख्याल रखता होगा, बस आप उसकी बात नहीं मानती। अब दिल नहीं चाहता खुद का ख्याल रखने का, क्या फायदा जिंदगी के लिए इतना सामान इकट्ठा करने। ऐसी बातें मत कर, आप हम सबके लिए बहुत अहम हैं। आपको पता है अल्तमश क्या कह रहे? वो कह रहे थे कि जो लोग हमारी खुशी में खुश नहीं होते, हमें उन्हें भुलाने की कोशिश करनी चाहिए, और जो लोग हमें अपनी खुशियों का दुश्मन समझते हैं उन्हें भुलाने की हर कोशिश नाकाम होती, शायद इसलिए कि वो हमारे अपने होते हैं। I'm sorry आंटी, लेकिन मैं ऐसे लोगों को अपना नहीं समझता। हर रिश्ता अपनी जगह अहम है,
पारस अंकल को आपने और जकिया आंटी में कोई फर्क नहीं रखना, लेकिन वो उनकी खुशी के लिए आपको दुख देने आ गए। मुझे पता आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी ना, लेकिन आंटी मैं क्या करूं, मेरे सामने जब कोई गलत बात होती है ना तो मैं कहे बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारा बोलना अच्छा लगता है मुझे, देखो मेरा ये खाली घर भर सा गया, जिंदगी के आसार नजर आने लग गए इसमें। आंटी लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से और आपके फैमिली डिस्प्यूट्स की वजह से भी मैंने अल्जमर से कभी इस बारे में बात नहीं, लेकिन जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही। हेलो राजियान कहाँ है? राजियान से मेरी बात करवाओ। कुलसेर तुम लोगों के लिए बहुत मासूम हो, लेकिन मैं तुम्हारी हकीकत जानती हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि सिवाय तुम्हारे राजियान कहीं और नहीं गया। बात करवाओ मेरी गाजियान से। गाजियान यहाँ तो नहीं है? वो तो नहीं आया यहाँ पर। सकिया कैसी बातें कर रही हो, कहाँ है गाजियान, घर पे नहीं है वो क्या? ड्रामे मत करो, ये तुम्हारा पुराना तरीका है कि कुछ भी करके तुम अनजान बन जाती हो। खुदा के लिए कुछ तो अपने आधे अधूरे रिश्ते का ही ख्याल कर लो, भेजो गाजियान को घर। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। खुदा के लिए सकिया बताए तो सही बात क्या हुई है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुमने ही उसे घर छोड़ने का रास्ता दिखाया होगा। तुम्हारी इज्जत इसी में है कि गाजियान चुपचाप घर आ जाए। जरा सोचो भाईजान को पता चला तो उनकी क्या हालत होगी। इतनी तो अक्ल होगी ना तुम्हें, क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो? हमने तो तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया। बस कर दो, घर भेजो गाजियान को। आंटी हलील, हलील पानी लेके आओ। ये आप किससे क्या कह रही थी, कहाँ गया है गाजी? नहीं नहीं वो जल्दी चला गया होगा, उसका प्रोजेक्ट भी तो चल रहा था। नहीं वो भाईजान ने उसे डांटा था तो मैंने सोचा शायद। गाजियान ने ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना पागल नहीं है कि मामू की किसी भी बात को सीरियस ले ले। निम्रा, निम्रा बेटे, निम्रा रुको। कब कोई सामान नहीं है या फिर कपड़े मोबाइल कुछ ले गया वो। आपने देखा मामा, वो सुपारिया के लिए इस घर को छोड़कर जा सकता, आपको मुझे सबको छोड़कर जा सकता। इतनी मोहब्बत करता है वो सुपारिया से, इतनी मोहब्बत तो मैंने सोची थी, उसने सारे मोहब्बत सुबारिया को दे दी। ये मोहब्बत नहीं बेटा, बेगैरती है। ऐसी मादर पिदर आजाद लड़कियां जिनके घर नहीं होते वो दूसरों के घर पर बात कर देती है। कुछ भी कह ले मामा, उसके दिल में सुबारिया है और जहां सुबारिया है वहां मैं नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती।
होश करो बेटा, मेरा क्यों दिल दहला रही है? कम से कम इस दुनिया पे कोई आखिरी लड़का नहीं है जिसके लिए तुम इतना तड़प रही हो। दुनिया तो उसी पर खत्म थी मम्मी, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरे ख्वाब सब सब जुबारिया के पास चले गए। वो कितनी लकी है ना, उसने कभी सोचा ही नहीं होगा जो कुछ मेरा था वो सब उसे मिल गया। क्यों रो रो के अनकान हो रही हो मेरी जान? कुछ भी नहीं हुआ, वो आ जाएगा, शाम को वापस आएगा। भाईजान ने इतना गुस्सा किया था तो उसने रिएक्ट तो करना था ना, लेकिन बाप बेटा एक दिन के लिए भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। वो वापस आ जाएगा। अगर वो हमसे दूर हो गया ना, माने या ना माने, वो हमसे दूर हो गया है। मैं जानती हूँ वो गुलजेबी की तरफ गया है, वो औरत झूठ बोलती है, झूठी है वो। इसी तरह उससे हमदर्दियां बटोरने की आदत, हर चीज पे कब्जा चाहती है। तुम्हारे दादा दादी का जो कुछ भी था, रुपया पैसा, सब पे कब्जा किए हुए है। वो वहीं पर है, ये औरत हमें खुश देखना ही नहीं चाहती, दुश्मन है ये हमारी, दुश्मन। मामा प्लीज, कौन किसका दुश्मन है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे आपके इन स्टोरीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। रशीदा, रशीदा पानी लेकर आओ जल्दी से, रशीदा। सुबारिया तुम पागल हो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। वो अजीब से मिजाज की औरत और तुमने इतना असर ले लिया उसकी बातों का। अरे ऐसे लोगों को टिका कर जवाब देते हैं, उनकी बातों को दिल पे सवार नहीं करते। चलो उठो जल्दी से, फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाओ नहीं तो मैं शिकायत लगा दूंगी। वो क्या नाम है तुम्हारे हीरो का? गाजियान। चलो उठो, अपना हुलिया सही करो, आज हम दोनों लंच पे चलेंगे और मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाली। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ? कल को तुम इस कमरे में मर मर आ गई तो सारा इल्जाम मुझ पे आएगा। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी, तुम्हें सिर्फ 5 मिनट दे रही हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। यार तुम कितना तंग करती हो, मैं इतनी थकी हुई हूँ। पूरी रात और आधा दिन सोकर भी तुम थकी हुई हो, उठ जाओ। अल्लाह किसी की किस्मत में ऐसा आराम ना लिखे। तुम जाओ, मैं देख लेती हूँ, जरूरी हुई तो तुम्हें बता दूंगी। बस कर दो ज़किया, क्यों बार बार उसे फोन कर रही हो? अगर वो जिद्दी है तो मैं उसका बाप हूं, मैं जानता हूं उसकी जिद को कैसे तोड़ना है। मैंने उसको अपने बच्चों की तरह पाला है भाईजान, मुझसे ज्यादा उसको कौन जानता होगा। बड़े लाड नखरे देखे हैं मैंने उसके, इसी बात का तो दुख है, उसने तो कभी भी मेरी कोई बात नहीं टाली थी। याद है आपको कैसे वो निमरा और अनस की शिकायतें लेके मेरे पास पहुंच जाता था, और अब घर से चला गया।
ऐसे कैसे घर से चला गया? कोई ऐसे घर छोड़ के जाता है क्या? अच्छा ये रोना धोना बंद कर दो, हम कोई उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहे, समझना होगा उसे। औलाद की जिद तोड़ने के लिए दिल मजबूत करना पड़ता है, और मैं भी वही कर रहा हूं। फरा बाजी का फोन आया था, आपकी दवाइयों का पूछनी थी। अब उन्हें क्या जवाब दूं? खलील तुम जाओ बेटा, मुझे मजीद परेशान मत करो, ले लूंगी मैं खुद ही दवाई, तुम जाके किचन देखो। दानी कहां चला गया ये लड़का? सारी जिंदगी की थकन एक तरफ, ज़किया के इल्जामात एक तरफ, कैसे समझाऊं मैं इसे? यार निमरा कोई एक फैसला कर लो, रोना है या रुलाने वाले को हंस कर दिखाना है? यार ऐसे तो जिंदगी नहीं चलती है ना निमरा, जिम तुम नहीं जाती, प्रैक्टिस तुमने छोड़ दी, क्या ये सब कुछ गाजियान के लिए था? बताओ मुझे यार, गाजियान जिंदगी नहीं था, समझने की कोशिश करो निमरा, वो एक जिंदगी का चैप्टर था, जितना उस चैप्टर को खोलोगी उतना ही दुख तुम्हें खुद होगा। बंद कर दो उस चैप्टर को, फाड़ के फेंक दो उस चैप्टर को अपनी जिंदगी से। क्या ये इतना आसान है? निमरा आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान के अपने बस में होता है। और वो शख्स घर छोड़कर चला गया, इससे ज्यादा उससे क्या उम्मीद रखनी? I swear, मैं होती, मैं ऐसे इंसान के लिए एक मिनट के लिए भी ना रोती, never। अच्छा चलो उतरो, गाजियान के बारे में बात करने से अच्छा अंदर जाके कॉफी पीते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते, चलो। निमरा गाजियान से मोहब्बत करती है, गाजियान का दिल तुम पे आ गया, तुम निमरा के लिए परेशान हो, गाजियान तुम्हारे लिए परेशान है। ये तुम लोगों की लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है यार? अच्छा एक काम करते हैं, इसे आसान करते हैं, मुझे बताओ तुम क्या चाहती हो? निमरा और गाजियान का साथ, अगर ये मुमकिन होता तो मैं निमरा के साथ होता, क्योंकि मैं निमरा के साथ एक झूठी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं अपना घर छोड़ आया हूं, आप बता दीजिए आपको ये बेघर आदमी कबूल है कि नहीं? आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। रुको साथ चल, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी, मैं उस दिन सारी बातें खत्म करके आई, अब मुझे कुछ भी नहीं कहना। आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू इफी, बहुत अच्छी लड़की है। यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलती हूँ। आइए प्लीज बैठ जाइए। कुछ लोग हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको उनके प्यार की कदर करनी चाहिए। हज़ान मैं आपको इतना बेहिज और खुदगर्ज नहीं समझती, आपने मेरी जिंदगी को तमाशा बना दिया। ज़किया मामी ने जो कहा उसकी तकलीफ कम थी, जो आपने मुझे एक और दुख दे दिया घर छोड़ने का,
आप ये सब क्यों कर रहे हैं गाजियान? आप प्लीज मेरी जिंदगी से चले जाएं। मैं आपकी जिंदगी में चल, ये सुन के तो अच्छा लगा। मेरी बला से आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा? आप प्लीज मेरा पीछा छोड़ दें गाजियान। हमारे रिश्तों में, हमारे खानदानों में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है गाजियान। अगर आप ये फासले दूर करना चाहते हैं आप प्लीज खुशी से करें, लेकिन मुझे सबसे प्लीज दूर रखें। सुभारिया, मैं एक आम सा इंसान हूं, कोई फरिश्ता तो नहीं। सभी गलती हो सकती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे निमरा के साथ ही रिश्ता इतनी दूर तक लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिंदगी गुजारने के लिए जो मेरा आइडियल मैच, वो अचानक मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन मेरा क्या कसूर है इस सब में गाजियान? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं गुजारनी जिसपे हर कदम पे मुझे अपनी इज्जत गंवाने का खौफ। कितना फजूल बोलती हैं, आपको इस वक्त मेरे साथ हमदर्दी करनी चाहिए। घर छोड़ के आया हूं मैं आपके लिए। मुझे आपसे इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अगर आपको जरा सा भी ख्याल है मेरी खुशी का तो आप प्लीज चले जाएं वापस। सुबारी, आप माने या ना माने, लेकिन हमारी खुशियां, हमारे दुख सब जुड़ चुके हैं। और चाहे आप कुछ ना भी कहें, आपकी आंखें कह रही हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो गलत नहीं है। आपको पता है सिर्फ रिएक्ट करते हैं, सोचे समझे बिना बोल देते हैं जो भी चाहते हैं। हाँ, मैं जानता हूं मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता और मैं निमरा के साथ झूठे वादे नहीं कर सकता। और मैं आपके साथ कोई झूठे वादे नहीं कर सकता। आपको वापस जाना होगा निमरा के पास। गाजियान को ऐसा मौसम बहुत पसंद है। जब भी ऐसा मौसम देखता था लॉन्ग ड्राइव पे जाने की जिद करता, और मम्मा पहले बिठा दिया। निमरा, इतना प्यारा मौसम है, हम गाजियान के अलावा कोई और बात नहीं कर सकते? तुम्हारे नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, मेरी शादी की बात करते हैं यार, प्लानिंग करते हैं। चलो अंदर आओ, पहले कॉफी पीते हैं। आ जाओ। और हम दोनों के लिए ये बेहतर है कि हमारी आखिरी मुलाकात। जिंदगी में आगे बढ़ने की हिम्मत दे रहा हूँ, जो कल को उसके लिए भी अच्छी होगी और मेरे लिए। अब तो शायद उसे हिम्मत दे दे आगे बढ़ने की, लेकिन मुझे तो दुश्मन बना दिया ना उसका। इतनी बेहसी तो कबीर खान में भी नहीं थी। कबीर, कबीर खान, जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है, अपने रस्म और रिवाज को जिंदगी मानते हैं। और निमरा की शादी अपने वक्त पर ही होगी। अगर वो माँ है तो मैं बाप, मेरा भी हक उतना ही अपने बच्चों पर। मैनू सैया सैया वे।